इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ कि क्वालकम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट में आपको जो है गेमिंग एक्सपीरियंस वो किस तरीके का देखने को मिलता है। तो अगर आप जो है एक न्यू स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और उसके स्पेसिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक जो है स्नैपड्रैगन 662 का जो चिपसेट है वो उसके अंदर लगा हुआ है, तो इस वीडियो में आप जो है एंड तक बने रहिए। मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि किस तरीके का जो है गेमिंग एक्सपीरियंस वो यहाँ पर होने वाला है। तो आपको पता होगा कि ये प्रोसेसर जो है वो एक मिड रेंज प्रोसेसर है, तो वैसे आप जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, मगर जो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए, मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके का आप जो है एक्सपीरियंस पाएंगे इस प्रोसेसर को यूज़ करते हुए। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के तरफ बढ़ने से आगे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो है वो है पोको M3 स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको जो है क्वालकम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के तरफ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने जो है पोको M3 स्मार्टफोन में सबसे पहले जो गेम खोला है, जहाँ पर जो है ज़्यादा हेवी काम जो है नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल जो यहाँ पर ये गेम है, इस गेम का नाम है फ्लफी फॉल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं जो है इसे खेलकर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एंड आपको जो है बताने वाला हूँ कि इस तरीके के जो छोटे गेम्स हैं जहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर जैसे कि आपको जो है ऑनलाइन गेम्स में देखने को मिलता है वैसा कुछ नहीं है, ये जो बेसिकली एक ऑफलाइन गेम है। तो यहाँ पर जो है ऐसे गेम्स आप खेलना चाहें जहाँ पर ये जो अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्राफिक्स वो काफ़ी अच्छा है, मगर जो है ये कम साइज़ का भी गेम है एंड यहाँ पर जो है ऑफलाइन गेम है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है आप चाहेंगे ऐसे ही जो है गेम्स खेलना जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन गेम है, तो यहाँ पर अच्छे से ये जो है गेम ऐसे आप खेल पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, ऐसे छोटे मोटे गेम्स आप खेलना चाहें तो बिल्कुल खेल सकते हैं, जहाँ पर इसके डिस्प्ले के कारण जो है आपको जो है यहाँ पर मैं पोको M3 की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसका डिस्प्ले जो अच्छा है उसके वजह से कलर्स वगैरह जो अच्छे आते हैं, लेकिन आप जो है अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो तो डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट यहाँ पर जो है उसका आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर गेम प्ले है वो आप जो है बिल्कुल अच्छे से आप कर पाएंगे। और वहीं बात करें कुछ ऐसे गेम्स की जहाँ पर जो है आपको लैग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए जो है बड़े गेम्स हैं या फिर जो है मल्टी प्लेयर गेम्स है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर जब आप खेलेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना होगा, जहाँ पर जो है यहाँ पर जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं तो वहाँ पर दिक्कत आपको होगी, लेकिन जो ग्राफिक्स वगैरह है वो यहाँ पर अच्छा आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर जैसा चलेगा उसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा फ्रेम रेट ड्रॉप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके का जो है कुछ आपको गेम प्ले मिलेगा। तो यहाँ पर ये मिड रेंज प्रोसेसर जो कि मैंने पहले ही बताया उसके हिसाब से आपको जो है एवरेज गेमिंग देखने को मिलेगी, तो आप जो है इसको गेमिंग के लिए प्रेफर नहीं कर सकते, सिर्फ जो है कॉम थोड़ा मोड़ा गेम खेलना चाहें तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो वैसे जो है इस मिड रेंज प्रोसेसर पर जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है उस पर आपका क्या ख्याल है वो आप जो है कमेंट करके ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो पोको M3 पर ही गेमिंग टेस्ट करके दिखाया है, तो वैसे चाहते हैं इसका आप रिव्यू वीडियो देखना, तो उसका आपको जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसका रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। तो वैसे जो है फ्यूचर में ऐसे और भी टेक रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।